Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, अहिल्या बाई सीरियल एक ऐसा सीरियल है जिससे हमको रोज कोई ना कोई सीख मिलती है। तो मैंने ये फैसला किया कि चलिए एपिसोड के बाद एक वीडियो तो ऐसा भी होना चाहिए ना कि जिसमें हम और आप बात करें कि आज के एपिसोड से हमको क्या मिली सीख। और आज की सीख तो अहिल्या देवी ने दी थी हमको। तो चलिए बात करते हैं पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक सीन जाता है जहां पे अहिल्या और रेणु बातें कर रही है। वहां पे अहिल्या जो आगे की बातें कर रही है कि जैसे मल्हार राव ने अहिल्या को शिक्षा के बारे में बताया कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वहां पे रेणु अहिल्या से पूछती है कि अहिल्या तू पढ़ के करेगी क्या। तो अहिल्या ने यहाँ पे कहा कि हाँ रेणु, पहले तो मैंने सोचा था कि पढ़ के मैं क्या करूंगी, तो फिर अब मुझे समझ में आया कि चार किताबें पढ़ लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। शिक्षा का ज्ञान तभी आपके जीवन को रोशन करेगा जब आप उस चीज को, उस शिक्षा को, उस पढ़ी हुई किताबों को अपने जीवन में अप्लाई करोगे। जी हाँ दोस्तों, हम और आपने भी बहुत सारी शिक्षा तो ग्रहण की हुई है। हम स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे लोग गए होंगे। तो स्कूल में भी हम देखते थे कि स्कूल में बहुत सारा दीवारों पे भी लिखा होता था कि लालच बुरी बला है और कर भला हो भला, बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होती थी। तो कहीं पे लिखा होता क्रोध जीवन का नाश कर देता है, क्रोध बुद्धि को हर लेता है। और ऐसे व्हाट्सएप मैसेज भी हमको रोज आते हैं, तरह तरह के ज्ञान से भरपूर मैसेज आते हैं। और हम बिना, कई बार तो एक बार पढ़ भी लेते हैं, हम फॉरवर्ड कर देते हैं कई सारे, बहुत सारे ग्रुपों में। लेकिन आज से हम ये डिसाइड करते हैं कि वो जो मैसेज हमको आते हैं, चलो स्कूल का तो हमने जिंदगी में वैसा नहीं किया क्योंकि हमको लगता नहीं है कि झूठ के बिना भी जीवन जिया जा सकता है। कहीं ना कहीं तो भाई झूठ बोलना बहुत जरूरी हो जाता है और गुस्सा तो आ जाता है। सामने वाले की गलती है, मेरी थोड़ा गलती है गुस्सा, उसने गुस्सा दिलाया तो आया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन हम जब इसके ऊपर काम करने लगेंगे कि ये बात, ये एक चीज मैं अपने जीवन में अप्लाई करूंगा, तो फिर देखिए कि कैसे जीवन रोशनी से भरपूर हो जाता है, कि जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। और यही हमको अहिल्या बाई के सीरियल से ये सीख आज की मिलती है, जो कि अहिल्या बाई ने कहा कि किताबें पढ़ लेना ही, पढ़ के किताबें अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके अहंकार में बढ़ावा करेंगी, वो ईगो आएगी, अहंकार आएगा, अरे मैं तो पता है कितना पढ़ा लिखा हूं। लेकिन आपके जीवन में जब वो चीजें आप अप्लाई करोगे तो वो ही आपके जीवन को दिए की तरह जगमगा देगी। तो ये था आज के एपिसोड की सीख। तो चलिए लेट्स डिटरमाइंड कि हम जो भी पढ़ेंगे, कोई भी ऐसी चीज होगी, हम सबसे पहले दूसरे को ज्ञान देने से पहले अपने जीवन में उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा आज का एपिसोड आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय।